आज हम पढ़ते हैं रंग। जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो हमें बच्चों को रंगों के बारे में अवगत कराना पड़ता है। वैसे तो हमें पता है कि हमारे प्रकाश में 7 तरह के रंग होते हैं, या रोशनी में हम किसी प्रिज्म की सहायता से 7 रंगों को देख सकते हैं। जो रंग या जो कलर हम देखना चाहते हैं, यदि वे सूर्य के नजदीक वाले अगर हम देखेंगे तो यदि उनका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, सूर्य के पास वाले रंग जो भी होते हैं उनका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। जैसे बैंगनी कलर, रेड कलर, येलो कलर, इनका क्या होता है, जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाते हैं तो उन चीजों का रंग, जैसे हरा, ऑरेंज, नीला, तो ये चीजें क्या होती है, ये धीरे धीरे हल्की होती जाती है, इनका जो तरंग दैर्ध्य है वो कम होता जाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने प्राथमिक रंग जो बताए हैं प्रकाश में, वे बताए हैं लाल, हरा और नीला, जिन्हें हम प्राथमिक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग कौन सा हो गया, लाल, नीला और पीला। ये कौन से हैं, ये रंगों के माध्यम से जो हम देखते हैं। जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने 4 प्रकार के रंगों को माना है। कौन कौन से 4 रंग, पीला, हरा, लाल, नीला। लेकिन वर्तमान के जो कला वैज्ञानिक है उन्होंने फिर से रंगों को 3 प्रकार का ही माना है, लाल, हरा और नीला। यहां हम ये बात बताना जरूरी समझते हैं कि जो वैज्ञानिक रंग है वो हमारे वैज्ञानिक रंग जो हमने बताए लाल, नारंगी और बैंगनी होते हैं। जो ओस्टवाल्डर जो कलर है वे भी हमें 4 प्रकार के ही माने जा गए हैं, जिन्हें इन्हें भी प्राथमिक रंग माना गया, पीला, हरा, लाल और नीला। अब हम ये देखते हैं कि यदि प्राथमिक रंगों में द्वितीयक रंगों को अगर मिला दिया जाए, अर्थात सेकेंडरी रंग, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सेकेंडरी रंग क्या होते हैं। यहाँ हमें फिक्स मान लेना चाहिए कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं, जो मुख्य कलर होते हैं वे लाल, नीला और हरा। लेकिन जब ये आपस में मिल जाते हैं तो कौन सा रंग बनाते हैं, सफेद रंग बनाते हैं। तीनों ही रंग अगर आपस में मिल जाएंगे तो वे सफेद रंग बनाते हैं। लेकिन जहां लाल और हरा मिक्स कर दिया जाए तो कौन सा कलर बनता है, पीला रंग बनता है। जहां हरा और नीला मिक्स किया जाए तो पीकॉक कलर बनता है, या सियान भी बोलते हैं इसको। और जहां नीला और लाल को आपस में मिला दिया जाए तो वहां पे मेजेंडा, मेजेंडा का हम हिंदी अगर अर्थ निकाले तो रानी कलर, ठीक है। तो हमारे 7 कलर कौन कौन से हो गए हैं, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल। अब यदि इन कलर्स में हम कोई दूसरे रंगों को मिलाएं तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी कलर। अर्थात 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्वितीयक रंग कहते हैं, यानी सेकेंडरी कलर कहते हैं। अब जो यहाँ पे हम चित्र में देखा भी है, प्राथमिक रंग कौन से हो गए हमारे, लाल, हरा और नीला। यदि हमने इनके अंदर कलर का मिक्स करा, अर्थात लाल और हरे को मिलाया तो क्या बना, पीला बना। हरा और नीले को मिलाया तो पीकॉक, और लाल और नीले को मिलाया तो मैजेंटा, यानी कि रानी कलर बने। तो ये हमारे कलर कौन से कहलाएंगे, ये द्वितीयक रंग कहलाएंगे, यानी सेकेंडरी कलर हमारे कहलाएंगे। और अच्छे समझ लेते हैं हम यहाँ पे, यानी कि पीला, मेजेंडा और पीकॉक, जिसे सियान बोलते हैं। यदि हमें पीला कलर बनाना है तो लाल और हरे को मिला देंगे तो पीला कलर बन जाएगा। मेजेंडा में हम क्या करेंगे, लाल और नीले को अगर मिला देंगे तो लाल रंग बन जाएगा। पिकाक नीला, सियान, ये इसमें हम हरा और नीला मिला देंगे तो पिकाक नीला बन जाएगा। ये हमारे कौन से कलर कहलाएंगे, प्राथमिक और द्वितीयक रंग कहलाते हैं।